नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। यास तूफान अब भीषण चक्रवात में बदल चुका है। उड़ीसा के भद्रक में समुद्र तट से चक्रवाती तूफान यास टकरा गया है। समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं, 140 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल रही है और 8 राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बहरहाल मौके पर सुरक्षा बचाव की टीम तैनात की गई है। उड़ीसा से इस वक्त की बड़ी खबर, उड़ीसा के तटीय इलाके से टकराया चक्रवर्ती तूफान यास। भद्रक के धामरा से टकराया चक्रवर्ती तूफान यास। भद्रक में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश लगातार है जारी। उड़ीसा के बालासोर में भी तेज हवा और भारी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। ताऊते के 10 दिन बाद ये अगला तूफान यास की आफत लगातार एक घबराहट संकट बनी हुई है। लैंडफॉल के बाद तेज हवाओं के साथ भारी बारिश, इसकी तस्वीर उड़ीसा के भद्रक से सामने आ रही है, जहां उड़ीसा के भद्रक से यास तूफान टकरा गया है। आपको बता दें कि यास नाम ओमान ने दिया है, इसका मतलब निराशा होता है। वहीं चारों तरफ अब यही तस्वीर दिखाई पड़ रही है। उड़ीसा के भद्रक में तट से टकरा चुका है यास तूफान। मौसम विभाग ने जानकारी दी है। जानकारी के मुताबिक दोपहर तक तूफान लैंडफॉल करेगा और उसके बाद उड़ीसा पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों के पास भारी बारिश होगी। आपको बता दें कि तटीय इलाकों में रह रहे लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया है। हवाई सेवाओं को 1 से 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हवा की गति कितनी तेज है। लगातार जो पेड़ पौधे हैं वो गिरते जा रहे हैं। हवाओं का सीधा प्रभाव इन पेड़ पौधों पर देखने को मिल रहा है। बंगाल में भी तेज हवाओं के साथ लगातार बारिश जारी है और यही आलम 2 से 3 दिन तक बना रहने वाला है। लेकिन आज कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में रेड अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही सुरक्षा बचाव के लिए NDRF की टीम्स भी मौके पर मौजूद हैं। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।